चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम उस डिवाइस को कहेंगे जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी प्रकार के आउटपुट को सिस्टम से पाने का काम करते हैं। मतलब वो डिवाइस जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, हम उस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट प्रोवाइड करता है मतलब, सपोज करिए कि हम अपने सिस्टम में 2 × 3 लिखते हैं और हमें 6 मिलता है, तो हम जिस वक्त अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके 2 टाइप करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि 2 टाइप हो गया? तो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है कि हमने 2 प्रेस किया और 2 वहाँ टाइप हुआ है। मल्टीप्लाई टाइप करते हैं, मल्टीप्लाई दिखता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या? मान लेते हैं हमारे पास एक जूसर है और उसमें हम कुछ मौसमी को डाले, फिर जूसर को चलाए और बाद में हमको जूस मिल गया। प्रोसेस को ऐसे समझिएगा कि मौसमी को डालने की प्रक्रिया को कहते हैं इनपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट करना। जहां पर से डाले वो समझिए इनपुट डिवाइस हो गया। जूसर को चलाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रोसेसिंग, और जहां पे ये जूस प्रोसेस हो रहा है मतलब मौसमी से ये जूस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। अल्टीमेटली हमको मिलता है जूस भी और छिलका भी। तो जूस भी मेरा आउटपुट हुआ, छिलका भी मेरा आउटपुट हुआ। जहां से जूस मिलता है वो भी आउटपुट डिवाइस, और छिलका मिलता है वो भी आउटपुट डिवाइस। हाँ, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम कह रहे थे कि वैसा कोई डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम सिस्टम से किसी आउटपुट को पाने का काम करते हैं, हम वैसे डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइस 2 टाइप के होते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। वैसा कोई डिवाइस जिसमें हम जैसे जैसे काम करें वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलते चला जाए, कंटिन्यूअसली जैसे जैसे काम करें वैसे वैसे रिजल्ट मिलते चला जाए, वो ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण ऑनलाइन का मतलब कभी ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला या नहीं चल, वो ऐसा कोई लेना देना नहीं है इसका। हम उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, सिलाई मशीन। उसमें क्या होता है कि आप एक तरफ से कपड़ा डालते जा रहे हैं, सीते जा रहे हैं, और आपको तुरंत तुरंत मतलब एकदम सिलाई मिलते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिलाई मशीन एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आपका टाइपराइटर मशीन क्या होता है कि आप टाइप कर रहे हैं, आपने ए प्रेस किया, खट से पेज पे आपको ए टाइप किया हुआ मिल गया एट द सेम टाइम। जैसे जैसे आप टाइप करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते जा रहा है, तो वो भी क्या हो गया, ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस। ऑफलाइन किसे कहेंगे? तो वैसा कोई डिवाइस जिसका आउटपुट हमको एट द सेम टाइम नहीं मिले। हम पहले सारा काम कर लें, काम कर लेने के बाद फाइनली एक ही बार में हमको आउटपुट मिल जाए। जैसे एक उदाहरण देते हैं, फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है कि हम पानी डालते जाए और ठंडा होकर के तुरंत मिलते चला जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको पानी उसमें रख देना है, एक समय लगेगा और लास्ट में पूरा का पूरा पानी इकट्ठे आपको फिर मिल जाएगा ठंडा। तो वो हो गया ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस। अब अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में हम कहें कि ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस कैसे कहेंगे, तो मॉनिटर, मॉनिटर हमारा ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस हो गया। हमारा स्पीकर, स्पीकर हमारा ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस की दुनिया में हम कहेंगे तो कहेंगे प्रिंटर हमारा ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर हमारा ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस हो गया। इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेजर। और ये ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस में हमने बताया मॉनिटर और स्पीकर, और ऑफलाइन आउटपुट डिवाइस में हमने बताया प्रिंटर और प्लॉटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। ये मॉनिटर है क्या? अब हम ये देखना चाहेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर देखने से अच्छा है ना, आप लोगों को हम एक काम करते हैं, हम आपको मॉनिटर नहीं दिखा करके आपको हम दिखाते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अभी तक जो हम आपको बताते आए हैं कि एक कंप्यूटर कहलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक सीपीयू, एक
मॉनिटर, एक कीबोर्ड और एक माउस। चलिए ये दोनों हम बता चुके हैं कि ये दोनों इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि ये आउटपुट डिवाइस है, और सीपीयू के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। हम यहाँ पे मॉनिटर को ही रिप्लेस कर रहे हैं। मॉनिटर के बारे में हम कह रहे हैं कि एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इट कैन बी एनीथिंग, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में चलिए हम थोड़ा सा देखेंगे। इसको हम पहले एग्जिट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में देखिए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होते हैं। ये भी स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के तौर पे देखिए, एक होता है सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। दूसरा होता है एक एलसीडी मॉनिटर, जिसे हम कहते हैं टीएफटी। एक तीसरा होता है एलईडी मॉनिटर, और एक चौथा होता है प्रोजेक्टर। हम चार डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सीआरटी क्या है? सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। पहले के जमाने में एक टेलीविजन आया करता था, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए सीआरटी मॉनिटर, इस ढंग का पिक्चर ट्यूब हुआ करता था उसमें। देखिए ये सारे सीआरटी मॉनिटर है, जैसे टीवी पहले आता था ना, बड़ा साइज में, पीछे बहुत बड़ा स्पेस वो कवर करता था। तो ठीक इस तरीके का एक मॉनिटर आया करता था। हम अपने कंप्यूटर के साथ इसी तरीके के मॉनिटर्स का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज ये था कि इस तरीके का मॉनिटर जो होता है, अगर हम एक 15 इंच के मॉनिटर की बात करें, तो एक 15 इंच का मॉनिटर अप्रॉक्सीमेटली 100 वाट पावर कम से कम कंज्यूम किया करता था, 80 से 100 वाट, और स्टार्टिंग पीरियड में तो वो भी ज़्यादा, 200 से 250 वाट। अकेले एक मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यूज। ये अगर हम आकार में देखें तो बड़ा, बड़ा मतलब स्पेस ज़्यादा लेने वाला, 15 इंच का 15 इंच ही डिस्प्ले रहेगा, लेकिन फिर भी हमारे टेबल पे ये स्पेस बहुत ज़्यादा लिया करता था, क्योंकि इसमें पिक्चर ट्यूब हुआ करते थे। अगर हम देखें इसके वेट में, तो वेट ज्यादा मतलब हैवी। अगर हम इसके पिक्चर क्वालिटी की बात कर लें तो क्वालिटी पुअर, इट मीन्स। लेकिन फिर पावर कंजप्शन की बात कर लें हम, पावर कंजप्शंस हाई, हीट जनरेशंस की बात कर लें तो हीट जनरेशन हाई, ये सब नेगेटिविटी उसमें आज के डेट में हम निकाल सकते हैं कि पहले के मॉनिटर्स में ये सब डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन जब हमारे पास टीएफटी नहीं था, हमारे पास एलईडी नहीं था, हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं था, तब हमारे पास एकमात्र विकल्प भी यही था, हम लोग सीआरटी मॉनिटर का ही इस्तेमाल किया करते थे। आज के डेट में जमाना चेंज हुआ, धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी और बेहतर हुई। तो इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होने के बाद मार्केट में आया एलसीडी मॉनिटर। ये देख लीजिए इस ढंग का, अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले, मतलब एक सीआरटी मॉनिटर के मुकाबले काफी कम स्पेस में रन करता था ये।
एलसीडी मॉनिटर की अगर अब बात कर लें तो एलसीडी मॉनिटर हमारे सीआरटी की अपेक्षा काफ़ी कम पावर पे ऑपरेट होने वाला मॉनिटर हुआ करता था और इसे चलाने के लिए मात्र 15 से 20 वाट के पावर की आवश्यकता होती है। ये अगर देखें तो साइज के मुकाबले जो पीछे से काफ़ी मोटाई सीआरटी की काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारे एलसीडी की मोटाई बहुत ही कम हो गई फ्रॉम द बैक पोर्शन, और इसकी वजह से हम ये बहुत ही आसान तरीके से टेबल पे हम रखने लग गए इसको और हमारा काफ़ी सारा स्पेस हमारे टेबल पे खाली रहने लग जाता है। इसके क्वालिटी की बात कर लें तो क्वालिटी हम कहेंगे कि इसको गुड। पावर कंजप्शन की बात कर लें, हम पहले ही बता चुके कि मीडियम, और हीट जनरेशन ऑलमोस्ट नहीं हुआ करता था इसमें। तो अगर हम देखें तो इससे बेहतर क्वालिटी जो हमारा मॉनिटर देने लग गया वो हमारा एलसीडी मॉनिटर देने लग गया। इसके बाद फिर हम आए इसके अगले जनरेशन्स की तरफ, जब माहौल थोड़ा सा और चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और अपग्रेड हुई, हमारे पास आए एलईडी मॉनिटर्स। एलईडी मॉनिटर्स की अगर हम बात कर लें तो ये 5 से 7 वाट में 15 इंच का मॉनिटर रन कर जाता है, 5 से 7 वाट में सिर्फ एलईडी। इसके हम अगर वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट। अगर हम इसके मोटाई की बात कर लें तो मोटाई बहुत ही स्लिम, काफ़ी स्लिम हुआ करता है ये हमारा एलईडी स्क्रीन। और अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि एक्सेलेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करता है ये, एक्सेलेंट क्वालिटी, और हीट जनरेशन ऑलमोस्ट नहीं है इसमें भी। चलिए हम इन तीनों डिवाइसेस को इकट्ठे एक जगह दिखाना चाहेंगे, तीनों के चारों को हम दिखाते हैं। हम आपको गूगल की मदद से ये सारे डिवाइसेस को एक एक करके दिखाएंगे। देखिए एक सीआरटी कैसा था, कितना था, आप देख सकते हैं। ये है हमारा एक साथ चारों डिवाइसेस, देखिए इसमें एक साथ चार डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, हम चारों को दिखा देते हैं। ये हमारा है सीआरटी मॉनिटर, ये हमारा है एलसीडी मॉनिटर, और ये है एलईडी मॉनिटर। आप तीनों देख सकते हैं किस किस तरीके का डिवाइसेस हम लोगों यूज़ किए हैं या यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ। मोटाई को समझना है तो आप इसमें डिवाइस में समझ सकते हैं कि ये सीआरटी है और ये एलसीडी है, कितना का डिफरेंस आ गया, ये ह्यूज डिफरेंस। और अगर आज के डेट में हम बात कर लें तो भाई एलईडी एक से एक पैनल मौजूद है मार्केट में आजकल। एलईडी का आईपीएस पैनल है जो कि हमको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है और काफ़ी स्लिम हुआ करता है ये इस तरीके का मॉनिटर। जब आप आईपीएस पैनल के किसी मॉनिटर्स को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस मॉनिटर आपको दिखाई देगा, बहुत ही कम बॉर्डर में, बहुत ही पतला, देखिए इस तरीके का। हम देखते हैं फिर से पावर पॉइंट में, हम मॉनिटर के बारे में बता रहे थे और उसी में हम डाइवर्ट करके आप लोगों को लेकर के चले कि पूरा वीडियो ही सेक्शन ही हमने इंट्रोड्यूस किया। अब थोड़ा सा जानते हैं कि मॉनिटर का डेफिनेशन अगर बोलना चाहे तो इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है ये। एक मॉनिटर पे जैसे जैसे हम डेटा को टाइप करते हैं वैसे वैसे ये हमारे आउटपुट को दिखलाते जाता है, इसीलिए हम इसे ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके का डिवाइस हमेशा हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है, मतलब जो आउटपुट ये देता है हम इसे छू नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। एक मॉनिटर में अगर हम ग्राफिक्स का परफॉर्मेंस और बेहतर चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी पिक्चर क्वालिटी बेहतर से बेहतरीन दिखे, तो इसके लिए हम आज के डेट में अपने सिस्टम में कई प्रकार के डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ग्राफिक एडेप्टर कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ग्राफिक एडेप्टर कार्ड। इसे जीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता क्या है तो समझ लीजिए, एक डिस्प्ले कार्ड है, डिस्प्ले कार्ड,
कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल अगर हम अपने सिस्टम में करें तो हमारे मॉनिटर का जो पिक्चर क्वालिटी होगा, जो हमारे सिस्टम का जो ग्राफिक होगा, वो और भी बेहतर दिखेगा। हम जितना अच्छा जीपीयू का इस्तेमाल करें, हमारी पिक्चर क्वालिटी सिस्टम की उतनी बेहतर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बिना जीपीयू के हम सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकते। देखिए, कुछ प्रोसेसर्स में ऐसा है कि बिना जीपीयू के आप अपने सिस्टम में ग्राफिक्स नहीं पाते, तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं, कुछ प्रोसेसर ऐसे हैं जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जो लैपटॉप खरीदते हैं, मैक्सिमम सारे में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसीलिए आप उसमें ग्राफिक्स देख पाते हैं, आपको पिक्चर क्वालिटी दिखा पाते हैं। आज के डेट में अगर हम 10th जनरेशन प्रोसेसर्स की बात कर लें तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर्स मार्केट में मिल जाएंगे जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मौजूद है, जिसकी वजह से हमें ग्राफिक कार्ड अलग से खरीद के लगाना होता है। ये हमारा एडिशनल खर्च बैठता है बेशक, लेकिन चूंकि हम ग्राफिक कार्ड एडिशनल लगाते हैं तो हम जितना बेहतरीन ग्राफिक कार्ड लगाएंगे हमें बेहतरीन उतनी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का पिक्चर मिल जाता है। हमारा कोई भी मॉनिटर हमारे सिस्टम में किसी भी ग्राफिक को डिस्प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक कलर, दैट इज RGB। आपको याद होगा जब हम माउस टॉपिक बता रहे थे तो माउस के टाइम भी हम RGB को इंट्रोड्यूस किए थे कि हम बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट्स के साथ हम लोग डिफरेंट तरीके के डिवाइसेस पाते हैं, जैसे कीबोर्ड में भी RGB इफेक्ट होता है, माउस में भी होता है, हमारे मदरबोर्ड में होता है, हमारे CPU कैबिनेट में होता है। तो ठीक, ऐसे समझिए कि यहाँ RGB जो हम किसी भी स्क्रीन को जब देख रहे हैं और उसमें कोई भी कलर, उदाहरण के तौर पे यहाँ रेड है, रेड के बजाय अगर हम कहते हैं कि रेड नहीं, चलिए अगर हम कहते हैं कि यहाँ येलो है, तो ये येलो भी हम अगर देख पा रहे हैं तो हमारे मॉनिटर में RGB के कॉम्बिनेशन से हम येलो देख रहे हैं। RGB मतलब रेड। एक काम करते हैं, इससे देखने से ज़्यादा बेहतर लगेगा, हम इसको इरेज करते हैं। RGB मतलब क्या हुआ, तो RGB मतलब हो गया रेड, दूसरा होगा ग्रीन और तीसरा होगा ब्लू। समझिए, हम अपने किसी भी सिस्टम में जब किसी ग्राफिक्स को देखते हैं तो वहाँ यही 3 प्राइमरी कलर का इस्तेमाल करके वो सारे कलर्स जनरेट कर चुका होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप मैजेंटा देख रहे हैं तो इसको बनाने के लिए भी हमारे कंप्यूटर ने रेड, ग्रीन या ब्लू कलर को ही प्राइमरी कलर माना है। और प्रिंटिंग मीडिया की अगर हम बात कर लेंगे तो प्रिंटिंग मीडिया में हमारा 4 कलर का इस्तेमाल किया जाता है किसी ग्राफिक्स को दिखाने के लिए। वो 4 कलर्स क्या क्या होते हैं, हम अगर प्रिंटर्स की बात कर लें तो प्रिंटर्स में वो 4 कलर होंगे। सबसे पहला होगा स्यान, ज़्यादा डार्क में है, हम इसको लाइट कर लेते हैं। सबसे पहला होगा स्यान, दूसरा होगा मेजेंटा, तीसरा जो कलर होगा वो होगा येलो, और चौथा जो कलर है, अच्छा ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं यहाँ पे फिलहाल, चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं ब्लैक। मतलब जो 4 प्राइमरी कलर जिसका इस्तेमाल करके हमारा प्रिंटर किसी डेटा को प्रिंट करता है वो है सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, जिसे CMYK के नाम से जानते हैं। और डिस्प्ले के लिए जो मेन प्राइमरी कलर्स हैं वो RGB होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमने अभी आपको प्रिंटर के बारे में नहीं बताया है, हम अभी आपको केवल आज मॉनिटर के बारे में बताए, ऑनलाइन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताए, ये मॉनिटर टॉपिक। अगले दिन हम लोग प्रिंटर्स के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो,
तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ YouTube पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से, हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया, हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।